हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वरुण। दोस्तों, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डेफ भरते समय अगर सबसे ज़्यादा गलती होती है तो वो कम्युनिटी फीलिंग में होती है। मीन्स आप SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड EWS, इन फॉर्मेट को लेके, इन स्पेसिफिक डेट को लेके सबसे ज़्यादा हमसे गलती होती है। अगर हमने गलत डेट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट फिल कर दिया, हो सकता है हमारा डेफ एक्सेप्ट ही ना हो। तो वॉट आर दिस स्पेसिफिक डेट एंड वॉट आर द स्पेसिफिक फॉर्मेट जो कि UPSC वालों ने इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। सो अगर हम रूल 5 की बात करें तो नोट 1 में क्या लिखा हुआ है। नोट 1 का मतलब है कि SC कैटेगरी, ST, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन, इनके जो सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ UPSC CMS, मीन्स 9th of May से पहले अगर आपके पास में SC ST, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन, इन 4 कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं, तभी आपका डेफ एक्सेप्ट होगा। उसके बाद में दोस्तों, OBC के लिए क्या दिया हुआ, दिस इज नोट 2 इज फॉर EWS एंड नोट 3 इज फॉर OBC। सो पहले हम OBC की बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, OBC शुड बी इशूड बिटवीन 1st of April टू 9th of May, यानी इस स्पेसिफिक डेट के बीच में अगर आपके OBC सर्टिफिकेट पर डेट लिखी है तब तो आपका डेफ एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा। किस कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो इसी डेट में होना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि आप OBC हैं। नाउ कम टू EWS, मीन्स नोट 2, इसके अकॉर्डिंग भी लिखा हुआ है आपकी जो इनकम है एंड एसेट सर्टिफिकेट, इट शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ 2022 टू 23, राइट। और आपका जो सर्टिफिकेट है, इट शुड बी इशूड ऑन एंड आफ्टर 1st of April टू 9th of May, यानी इस स्पेसिफिक डेट का अगर होगा तभी आपका EWS एक्सेप्ट होगा। हुआ क्या दोस्तों, जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा UPSC CMS का, तो हमें उतना आइडिया नहीं था। हमने सोचा यार OBC है तो भर दो, EWS है तो भर दो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन UPSC ने ना आपको एक दूसरा चांस दिया है, आप डेफ में इसको चेंज कर सकते हो। कैसे? सो दीज आर द स्पेसिफिक गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया फॉर रिजर्व कैटेगरी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार अगर हम रिजर्व कैटेगरी के जो क्राइटेरिया है, स्पेशली OBC एंड EWS को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करें। तो एक तरीका है, डेफ में एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करेंगे तो क्या आपका डेफ एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है, रूल नंबर 21 में लिखा हुआ है कि आपका डेफ तभी एक्सेप्ट होगा अगर आपके नंबर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी तक आप अपने आप को OBC मान के चल रहे थे, OBC का कट ऑफ मान लो 52 पर गया है, जनरल का कट ऑफ गया है 55 पे, राइट। अब आपके नंबर है 53, तो अभी तक आप अपने आप को OBC मान के चल रहे थे, 52 पे आपने क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया एज OBC, लेकिन जनरल के लिए कितना चाहिए, 55%, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, मीन्स आपका डेफ एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपके नंबर 55% से ज़्यादा है, मीन्स 56 है, 57 है, 58 है, तो आप जनरल कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर जाएंगे, और जब आप अपनी कैटेगरी चेंज करेंगे तो आपका नाम इंटरव्यू की लिस्ट में भी आ जाएगा। हो सकता है कि जब आप अपनी कैटेगरी चेंज करें तो आपका नाम इंटरव्यू की लिस्ट में ना आए, क्योंकि आपके नंबर हो सकता है जनरल से कम रह जाए। आज मुझसे किसी ने कहा कि मेरा EWS अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक डेट नहीं है, तो क्या मुझे EWS अपलोड करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। इसलिए कोई भी आपको ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना जो एक्चुअल में UPSC की गाइडलाइन से अलग है।